नहीं जी, हम सेकंड हैंड जवानी से बिल्कुल जेलस नहीं हो रहे। जौन से वो सर्जरियाँ करा के दोबारा दोबारा जवान होके आती है, सेकंड हैंड जवानी नहीं होते। हमारे पास अल्लाह की दीवी खूबसूरती है, हम इसकी तरह कौम का पैसा चोरी करके जाके सर्जरियों पे नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं लगाते। अच्छी बात है, उन्हें पता चल गया कि वो नहीं बन सकती क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। सारी आवाम तो पीटीआई की तरफ आ गई, इतने लोग बाहर आके बैठे हुए हैं कि आपको लगता है मामूली बात है कि रोजाना आते हैं यहाँ इस तरह बैठते हैं। खुडे लाइन कुछ भी नहीं लगा, ये बेचारी खुद लग गई और अब ये ना घबराहट के शिकार में आके कुछ भी कहती जा रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंशाल्लाह हम सारे जीतेंगे पीटीआई और दोबारा से वजीर आजम जी। बिल्कुल खान साहब, बाकी सब कुछ ऑलरेडी सही कर रहे हैं, हम उनके बताए हुए के ऊपर चल रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हलीमा सादिया। हलीमा सादिया, मरियम नवाज को जानती हैं आप? जी बिल्कुल, वो एक चोर है, हम जानते हैं उसी। जब वो कॉलेज लाइफ में थे ना, बिल्कुल आप जैसी थी। अल्लाह माफ करे, बिल्कुल भी मेरे जैसी नहीं थी वो, तो पता नहीं कैसी थी, एक मोटी सी खतून थी और इतनी सर्दियों के बाद। सारी बातें खाते पीते घर की लड़की थोड़ी हेल्दी तो होगी ना भाई? मेरे साथ नहीं वो मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इतनी प्यारी है माशाल्लाह। नहीं जी बिल्कुल भी वो प्यारी नहीं है, और उसके जो से काम है वो तो बिल्कुल भी उसको प्यारा नहीं रहने दे सकते। जितनी इंसानियत की भी खूबसूरती है वो भी उसने सारी। मरियम नवाज कहती है कि पीटीआई की लड़कियां खवातीन मुझसे जेलस होती हैं, और मुझे लगता है आप भी आज जेलस हो रही हैं। नहीं जी, हम सेकंड हैंड जवानी से बिल्कुल जेलस नहीं हो रहे। सेकंड हैंड जवानी का क्या मतलब है? जो से वो सर्जरियाँ करा के दोबारा दोबारा जवान होकर आती है, सेकंड हैंड जवानी। इसलिए तो वो कह रही है कि आप जेलस होती हैं। नहीं जी, हम बिल्कुल जेलस नहीं होते। हमारे पास अल्लाह की दीवी खूबसूरती है, हम इसकी तरह कौम का पैसा चोरी करके जाके सर्जरियों पर नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं लगाते। जब आप वज़ीर-ए-आज़म की बेटी बनेंगे ना, आप भी चोरी करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको गलत फहमी हो रही है, आपने गलत ये असेस कर लिया कि हम बिल्कुल भी चोरी नहीं करेंगे। हमारे खान साहब ने हमें बिल्कुल नहीं सिखाया कि चोरी करनी है या किसी का हक लेना है। खान साहब की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम उन्हीं के साथ हैं और उनकी सारी बातें कहीं पे अमल करते हैं। अच्छा, वो मरियम साहिबा के जो सरताज हैं उनका कहना है कि मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकती। सफदर का कहना है कि वो नहीं। अच्छी बात है, उन्हें पता चल गया कि वो नहीं बन सकती क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। तो उसने शादी इसलिए की थी कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनेगी, फिर तो मतलब शादी उसकी गलत हो गई। हाँ तो गलत होगी, बिल्कुल गलत होगी। उसने शादी इसलिए की थी कि वो बनेगी, लेकिन वो नहीं बनेगी क्योंकि पता चल गया कि सारी तो आवाम पीटीए की तरफ चलेगी, अब वो कैसे बनेगी। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आज मरियम ने ऑफिशियली कह दिया है कि कैप्टन तुम अब नॉन लीग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से नहीं बोलोगे, एज ए पार्टी लीडर बात नहीं करोगे। जी बिल्कुल, जब उसकी वो इंसल्ट करेगा, जिस तरह वो हमेशा से उसकी इंसल्ट करती आई है, अब उसने उसके बेचारे को बारी मिली है, उसने भी इंसल्ट कर दिया, तो इसलिए वो कहती है अब वहाँ से नहीं आप बोलोगे। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हर खूबसूरत औरत जो है अपने मर्द को नीचे लगा लेती है, उसको बोले नहीं देती? जी नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इन तरह के घरानों में हो सकता है कि वो नीचे लगा लेती हो, बाकी खूबसूरत औरत मुझे नहीं लगता कि वो नीचे लगा लेती है मर्द को। नहीं लगा सकती? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने बिल्कुल भी नहीं? और अपने टाइम पे लगाएंगे, आपके सामने थोड़ी लगाएंगे। नहीं, मैंने कहा मेरे हिसाब में। अच्छा, आपके सामने इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल। लेकिन मरियम कहती है मैं खुद लाइन लगा दिया मैंने पीटीआई को। वो बेचारी खुद जो लग गई, उसे अपना आप नजर आता रहता शीशे में। वो कैसे खुद लाइन लग गई है? सारी आवाम तो पीटीआई की तरफ आ गई, इतने लोग बाहर आके बैठे हुए हैं कि आपको लगता है मामूली बात है कि रोजाना आते हैं यहाँ इस तरह बैठते हैं। वो तो लंगर मिलता है इसलिए आते हैं। नहीं बिल्कुल भी, अब लंगर की एक खाने के ऊपर इस तरह बिल्कुल भी कोई नहीं आता, ठीक है? और इतनी सारी ड्यूटी और रोजाना देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता, इससे ज्यादा माशाल्लाह घर में होता है और कहीं गुना ज्यादा सुकून होता है, लेकिन हम खान साहब के लिए यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह। लेकिन मरियम का कहना है कि मैंने सारी पीटीआई को जमान पार्क के अंदर कैद कर दिया, इमरान खान को खुडे में बंद कर दिया, मैदान खुला है, मैं अपनी मर्जी से इलेक्शन कैंपेन करूंगी और जीतूंगी। जी नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, खुडे लाइन कुछ भी नहीं लगा, ये बेचारी खुद लग गई और अब ये ना घबराहट के शिकार में आके कुछ भी कहती जा रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंशाल्लाह हम सारे जीतेंगे पीटीआई और दोबारा से वज़ीर आज़म बनेंगे। दोबारा से खान साहब आपको देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? जी खान साहब को क्या बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं। खान साहब को क्या बोलेंगे? हम खान साहब के साथ हैं। अच्छा, बस इतने कहना है? जी बिल्कुल खान साहब, बाकी सब कुछ ऑलरेडी सही कर रहे हैं, हम उनके बताए हुए के ऊपर चल रहे हैं, तो अब हम खान साहब को क्या कहें? आपके सामने बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं मैं उनको कहना चाहती हूँ। जी आपका हलीमा सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त अपने जज्बात पर काबू रखा, मरियम से आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये इस मैसेज से हमने जाना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मरियम आपने नाराज़ नहीं होना क्योंकि आपका जिक्र किए बगैर मेरा इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।